तिवारी अपने YouTube चैनल बांसी क्रिएटिव हब में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम आप लोगों के लिए समय समय पर डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव कोर्सेज के वीडियोस एंड ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनिंग है एक्सेट्रा के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। इन्हीं वीडियोस के रेंज में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ब्रेड पेंटिंग। जी हाँ, ब्रेड पेंटिंग जो कि हम डेली रेगुलर अपने खाने में यूज़ करते हैं, उस ब्रेड से हम पेंटिंग को बनाना सिखाएंगे। इस ब्रेड में डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स को ऐड करके इसको प्रिजर्व करते हैं और देन इसके फ्लावर्स हैं या कोई बर्ड्स है या एक्सेट्रा कुछ भी बना सकते हो इसका, और इससे आप पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं या वॉल पे बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी टेक्निक है और इसको बोल सकते हैं कि हमारे घर की चीज़ों से ही हम पेंटिंग को क्रिएट कर रहे हैं। तो देन हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे हम लोग और मोटिवेट हों आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ डालने के लिए। तो लेट्स सी स्टार्ट। आज आपको बताने जा रहे हैं ब्रेड पेंटिंग, जो सिंपल जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उस ब्रेड से ये पेंटिंग बनाई गई है। इसके लिए हम फ्रेश ब्रेड का पैकेट ले लेंगे, ठीक है, एक फ्रेश ब्रेड का पैकेट, फेविकोल अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, डेटॉल इसमें मिक्स करते हैं ताकि हमारे क्ले बर्तन में कीड़े वगैरह ना लगे। ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे, जो फेस वगैरह में ग्लिसरीन यूज़ करते हैं वो ग्लिसरीन इसमें यूज़ करी जाएगी जिससे ये चिकना बने हमारा डो जो है। फिर जिंक ऑक्साइड इसमें जनरली मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। इस जिंक ऑक्साइड से इस क्ले में वाइटनेस हमारे डो में आ जाएगी। प्लस फैब्रिक कलर्स चाहिए होंगे पेंट करने के लिए, ब्रशेस चाहिए होंगे हमें, एक एयर टाइट बॉक्स चाहिए होगा और एक जग चाहिए होगा जिसमें हम डो को तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी जब हम इसमें फ्लोरल या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो इसे हम फोटो फ्रेम रेडी करेंगे, देन आगे चलते हैं, फिर हम डो तैयार करते हैं। हम जो ब्रेड के किनारे का ब्राउन पार्ट होगा उसको हम पहले निकाल देंगे। और पूरी स्लाइसेस का निकालने के बाद स्लाइसेस को ऐसे महीन महीन सा हम तोड़ लेंगे उनको, सारी स्लाइसेस को। इस तरीके से हमने पूरी ब्रेड को मैश कर लिया है, पूरा एक पैकेट हमारी ब्रेड थी, पूरा बड़े बड़े टुकड़े जितने हैं इसको स्मॉल स्मॉल सा कर लेंगे। फिर इसमें हम डेटॉल को डालेंगे, इसमें डेटॉल मिक्स कर दिया, देन ग्लिसरीन चिकना करने के लिए डालेंगे। जिंक ऑक्साइड का यूज करेंगे, वाइटनेस बढ़ा इसमें आ जाएगी ज़्यादा हमारे डो में, और फेविकोल डालेंगे इसमें। इन सबको आपस में मिक्स करके हम डो को रेडी करेंगे। अब ये हमारा डो रेडी हो गया है, अब ये फ्लावर्स बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसके फ्लावर्स हैं या बर्ड्स हैं या जो भी आप बनाना चाहें इसे कुछ भी आप बना सकते हैं, इसको पॉट पे भी डेकोरेट कर सकते हैं इससे बना करके, और आप फोटो फ्रेम है, टाइल्स पे, हर वॉल हैंगिंग है, कुछ भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये राउंड शेप ले लिया है और इससे हमने आप कैसे भी रोज वगैरह जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं।
उसको हम शेप दे देंगे, ऐसे ऐसे हमने कट कर लिया, फिर इस तरह से शेप देंगे। इसके बीच में हम ये जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है इससे हम फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगा करके बीच में हम, अब हम लीव्स बनाना बताएंगे आपको। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स रेडी कर सकते हैं लीव्स बनाने के लिए। अब इसकी दो लिया हमने, उसको राउंड शेप दिया, राउंड शेप देकर के एक तरफ हम थोड़ा सा ये पतला कर लेंगे और इसको अंगूठा प्रेस करेंगे, अंगूठी की सहायता से हम पत्ती का शेप दे देंगे। कोई भी स्केल है, पेपर कटर है, आप उसकी सहायता से या कोई भी पॉइंटेड चीज़ है उसकी सहायता से आप लीव्स के इम्प्रेशंस डाल दीजिए इसमें। इसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए ताकि ओरिजिनल लगे ये। फिर इसमें हम टेंटिकल्स बनाएंगे। टेंटिकल्स बनाने के लिए हमने लंबा किया और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। इसी तरह अलग अलग पैटर्न्स के फ्लावर्स इसमें हम जैसे चाहें वैसे रेडी कर सकते हैं। इस तरीके के इसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रेडी कर लिए, अलग अलग पैटर्न्स के, अलग अलग डिज़ाइंस के फ्लावर्स बनाए हुए हैं, सारे रेडी हो गए। इससे पहले इन सारे फ्लावर्स एंड लीव्स पे फैब्रिक कलर की कोटिंग करेंगे, जब ये फ्लावर्स हमारे पूरे ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे उसके बाद में। और इसमें हम जिस भी तरीके से कलर करना चाहें, शेडिंग देकर के कलर करना चाहें, फ्लैट कलरिंग करना चाहें, जो भी हम आर्टिस्टिक वे में इसे कलर कर सकते हैं वो कलरिंग हम करेंगे। मैंने ऑरेंज कलर लिया है। आप शेड देना चाहें तो शेड दीजिए, अगर आप फ्लैट करना चाहते हैं तो फ्लैट पे कर दीजिए, फ्लैट कलरिंग कर सकते हैं। बीच में डिफरेंट कलर की डॉट्स या सेम कलर की डॉट आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। और इसकी बैक साइड में भी हम कलर करेंगे, क्योंकि बैक में हमें इसको ग्लास पे ये फोटो फ्रेम हम रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमें बैक में भी पूरा सेम कलर फ्लावर्स में करना पड़ेगा। अगर हम पॉट आउट पे लगा रहे हैं तो पॉट आउट हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो उसमें हमें बैक साइड पे कलर करना कंपलसरी नहीं होता है, बट क्योंकि हम ये ग्लास का यूज़ करेंगे इसलिए इसमें हम दोनों तरफ बोथ साइड कलरिंग करेंगे। ये हमारे फ्लावर्स की कलरिंग हो गई। इसी तरीके से हमने 5-6 टाइप के अलग अलग फ्लावर्स बनाए और सब में अलग अलग टाइप से हम कलर शेड कर सकते हैं। अब हम लीव्स पे आपको कलर करना दिखा रहे हैं। लीव्स में हमने बीच में येलो कलर लगाया है शेड करने के लिए। इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया। अभी इस तरीके से अलग अलग से फ्लावर्स हमने रेडी कर लिए हैं कलर करके। अब हम ये ग्लास लेंगे फोटो फ्रेम बनाने के लिए। मैंने ग्लास लिया है और एक फ़ोटो ले लीजिए आप, पासपोर्ट साइज की या कार्ड साइज की, और उसको बैक साइड से हम सेलो टेप की सहायता से स्टिक कर लेंगे। जब भी चाहे हम इसको चेंज कर सकते हैं।
हमारी जो बची हुई डो है उससे हम इसके किनारे का फ्रेम रेडी कर लेंगे। हमने फेविकोल लगा करके ये चारों तरफ से इस तरह से बॉर्डर बना देंगे इसका। अब ये चारों तरफ से हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। अब हम इसको पेंट करके इसमें चारों तरफ फ्लावर डेकोरेशन करके अपना फोटो फ्रेम रेडी करेंगे। हमने कल ये फोटो फ्रेम रेडी किया था और अब जब ये सूख गया है तो मैंने इसको फैब्रिक कलर से पेंट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी पेंट कर सकते हैं उसके बाद में। और ये सारे फ्लावर्स में हम फेविकोल लगा करके स्टिक करते रहेंगे। फ्लावर्स जो भी हमारे पहले से पेंट किए हुए हैं ये सब सूख गए हैं, इनको आप अपनी तरीके से प्लेस कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब हमने वन साइड कंप्लीट कर लिया है फ्लावर्स को, अब हम इसमें लीव्स को ऐड कर लेंगे। बीच बीच में आप लीव्स लगा लीजिए। अब इसमें ये टेंटिकल्स वगैरह लगा देंगे। प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो चीज़ जहाँ अच्छी लगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप भी लगाओ। इसको पॉट पे भी लगा सकते हैं फ्लावर्स को, आप वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं अलग अलग टाइप से, जैसे भी जिस भी फॉर्म में चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये मेरा फोटो फ्रेम रेडी हो गया है। इसमें आप पिक जो है आप कोई भी पीछे से हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप इसको हैंग करने के लिए हैंगिंग वाला भी बना सकते हैं, आप पीछे प्लेस करने वाला, मैंने पीछे खड़ा करने वाला बनाया हुआ है।